वेलकम टू नायडू वाला ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम चलने वाले हैं जो कि शिव साई टेंपल और वहां का जो शिव भगवान है गाइस, जो कि बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे हैं। तो वहां पर आज हम जाने वाले हैं और आप सबको भी लेके चलते हैं। तो वहां पर चलिए और चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं मारथली में, जो यहाँ से जो 6 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि साईं शिव टेंपल। तो शिव टेंपल तो आप लोग देख सकते हैं, जो हम बस से ही जा रहे हैं, तो मैं जा रहे हैं, तो ये भी बस भी आ गया। इस बस में हम चलेंगे और निकल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि कितना भीड़ है, देखिए। जो बेंगलुरु का सबसे अच्छा जगह है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। बात तो देख सकते हैं जो कि हम आ चुके हैं, इसके मेन गेट पे आ चुके हैं और वहाँ पर जा कर के अंकल से भी जो है ना परमिशन लिए और यहाँ पर टिकट कटाएंगे, फिर लेते हैं। आ चुके हैं तो एक देख सकते हैं हमारा हाथ में ये टिकट कटाए हैं, 150 रुपये लगा है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे जो पास में जो आप दिख रहे हैं भोलेनाथ का मंदिर के, हम चलते हैं और शिव भगवान से दर्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं गणेश भगवान है और नीचे हैं ये आपको परिक्रमा करने का जगह, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है। और परिक्रमा करके हम ऊपर जहाँ चलते हैं, तो भाई सब भी परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर जाने वाले हैं। अब बाबा से भी हम परमिशन ले लिए, तो आप देख सकते हैं बाबा से परमिशन ले रहे हैं, ये कुछ दिख रहा है दोस्तों। तो ऊपर चलेंगे फिर और दिखाते हैं आप सभी को, कर रहे हैं ये भी परिक्रमा हम भी किए, जो कि ओम नमः शिवाय नाम से जपे। और यहाँ पे जो बाबा है यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है और आप सभी को दिखाते हैं आगे जाके, जो कि चलिए चलते हैं सीढ़ी पे। और हम आ चुके हैं सीढ़ी पे, तो यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं, जो कि देख सकते हैं साफली जो कि गणेश भगवान है यहाँ पे, जो कि गणपति पापा मोरिया वो है। तो लग में चल के प्रणाम पाती करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हम भी प्रणाम किए हैं वह है, जो कि तो और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो इधर भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में गाइस, क्योंकि भाई सब फोटो खींच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो गुफा बना हुआ है इसके अंदर हम लोग जाएंगे। और ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे, हम नीचे जाने वाले हैं, तो नीचे चल के आप सभी को दिखाते हैं, जो कि हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, जो कि बहुत अद्भुत लग रहे हैं दिखने में। और अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे लिखा है हरिद्वार, हरिद्वार ओम नमः शिवाय। तो अंदर जाने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैं बांट के प्यारा विश्व का तूने खुद पिया। तो अंदर हम आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भी देख सकते हैं, जो कि कितना अच्छा लग रहा है। और अंदर हम चल के देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पानी खस रहा है, तो पानी भी थोड़ा ले लेते हैं और रहो। तो आप सबको कैसा लगता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि शिव भगवान है बैठे हुए। और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पर्वत भी बना हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छा भगवान पड़ा है लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर जो कि भोले बाबा का शिवलिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भोले बाबा का शिवलिंग है। आप सब दोस्तों कितना अंधेरा है यहाँ लगा हुआ है, बगल बगल में सीढ़िए सीढ़िए लगा हुआ है। और अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे दो लाइट लगा हुआ है जो चमक रहा है, और ये देख सकते हैं आप गुफा बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत निमन लग रहा है दोस्तों।
तो ये देखिए और जाते हैं। तो हम आ चुके हैं मेन गेट पे जो अब निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि दूध पी रहे हैं भोलेनाथ। तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं थोड़ा। जय हो। थोड़ा दूध भी चढ़ा देते हैं। उसके अंदर हम जाने वाले हैं, तो चलिए उधर भी चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को क्या है इस गुफा में। गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, जो कि कुछ भगवान भी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा भगवान है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो भोलेनाथ है जो कि शीशा लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, जो कि शिवलिंग है। और गाइस नीचे कुछ जो पर्वत है और पर्वत के ऊपर कुछ शिवलिंग भी पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ, काशी विश्व जो कि बैद्यनाथ धाम झारखंड, मतलब बैद्यनाथ झारखंड का शिवलिंग यहाँ पे जो देखने को आप लोग को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, हम आज यहाँ 12 में कुछ आदमी सब है जो कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पानी में कितना अच्छा लग रहा है महादेव जी, जो कि शिवलिंग में बीच पानी में है। और इधर इधर जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा घड़ा देखने को आप सभी को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। पूरा साक्षात देख सकते हैं जो कि कितना अच्छा लग रहा है महादेव जी, तो आप सभी को अच्छे से दिखे देखिए। और कुछ जूम करके दिखा देते हैं आप सभी को जो कि पूरा परफेक्ट है। तो भाई साहब आप सबको कैसा लगा ये वीडियो देख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बहुत दूर गए थे तो सोचे आप लोग को भी कुछ इमोशनल चीज़ दिखा दूँ। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में दोस्तों। आगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि भोलेनाथ के कृपा से ही तो ऊपर वाला, मतलब भोलेनाथ के ही कृपा से तो हम लोग हैं। तो आप लोग भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के शेयर से भाई भी आगे बढ़ सकता है। तो यहीं पे वीडियो खत्म।